अक्सर अपने तलख तेवर और अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर सुर्खियों में रहे बीजेपी के दिग्गज सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से ही मैदान में उतरेंगे। भले ही बीजेपी ने अब तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है, मगर उन्होंने नामांकन प्रक्रिया से पहले ही 4 दिन सेट में पर्चे खरीद कर अपनी मंशा सार्वजनिक कर दी है। उनके निजी सचिव ने 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदे हैं। इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर भी वो पीलीभीत लोकसभा सीट से ही भाग्य आजमाएंगे। उधर गठबंधन की ओर से सपा ने पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया है। ऐसे में पीलीभीत की सियासी गतिविधियों पर राजनीतिक दलों की नज़र टिकी है। पीलीभीत लोकसभा चुनाव 2009 और 2019 फतह कर चुके वरुण गांधी यहां से तीसरी बार भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। हालांकि सियासी गलियारे में उनके टिकट को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्रों के 4 सेट लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी ने अपनी सूची में उन्हें नहीं शामिल किया तो वो निर्दलीय में भी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा उनके चौंकाने वाले निर्णय से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया में शामिल पीलीभीत में 27 मार्च तक नामांकन होंगे। बता दें कि पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 2.5 दशक से वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का कब्जा है। वर्ष 2009 और 2019 में वरुण गांधी तो वर्ष 2014 में उनकी मां मेनका गांधी ने इस गढ़ को अपनी जीत से मजबूत किया था। सपा ने जातीय समीकरण सेट करते हुए बरेली की नवाबगंज सीट से विधायक रहे भगवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में वरुण गांधी 7,04,549 मत पाकर जीते थे। दूसरे स्थान पर सपा के हेमराज वर्मा थे। भगवत शरण पिछले चुनाव में बरेली सीट पर सांसद संतोष गंगवार के खिलाफ मैदान में उतरे थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी आलाकमान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद को भी पीलीभीत सीट से प्रत्याशी बना सकता है। हालांकि कैबिनेट मंत्री बरेली मंडल से सटी एक अन्य सीट से टिकट की आशा में थे। वहां पार्टी ने पिछले चुनाव में जीते प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी उन्हें पीलीभीत से मैदान में उतारने के लिए कह चुकी है, मगर वो अपना टिकट कटवाने की पैरवी में जुटे हैं।